राधा स्वामी, राधा स्वामी, दो शब्द आप लोगों ने सुन लिए। कबीर साहब कहते हैं, दुनिया से मुझे कोई मतलब नहीं है, वो तो मेरे अंदर रहता है, मैं काहे के इंतजार करूं, मेरे साथ है। दूसरा शब्द दाता दयाल कहते हैं कि गुरु समर्थ है, वो अपने तारेंगे, तुम्हें क्या चिंता। दो बातें हैं, एक है पूर्ण शरणागत हो जाना, जो दाता दयाल जी ने कहा, पूरा शरणागत, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, सब कुछ उसके पास छोड़ दिया। जैसे मेरे दाता कहा करते थे, नाथ खसम हाथ, मतलब मैंने कुछ नहीं कर, मैं नहीं कुछ भी कर रहा, जो कर रहा दाता कर रहा है, बात समझ गए। दूसरी तरफ है सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को जानना, वो जाना है किसने, कबीर ने। वो कहता मेरे से वो अलग है ही नहीं, मैं कहाँ मंदिर में जाऊँ, कहाँ मैं मस्जिद में जाऊँ, कहाँ गुरुद्वारे में जाऊँ, मेरे तो अंदर है। जो बिछड़े हैं वो भक्त जाएँ, जो अपने आप को अलग समझते हैं मालिक से। तो दोनों बातें हैं, मैं आज आपको एक सत्संग देने जा रहा हूँ। कुछ वर्ष पहले मेरा ये ख्याल था कि हमारी जिंदगी के दो पहलू हैं सिर्फ, एक सामाजिक जीवन, घर गृहस्थ, बाल बच्चे, पत्नी, सब हो गया ना, घर गृहस्थ जिसमें रिश्तेदार भी आ गए, ये जीवन है हमारा जो हमें जीना है, परिवार में रहते हुए, रिश्तेदारों को मिलते हुए, जिम्मेदारियां निभाते हुए, एक हमारा सामाजिक जीवन है, एक तो मैं ये समझता था। दूसरा धार्मिक जगत, कोई किसी ने सिख धर्म को मान लिया, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज को मान लिया कि मेरा वो पथ प्रदर्शक है, किसी ने किसी देवता को मान लिया, किसी ने किसी गुरु को मान लिया, किसी ने किसी देवी को मान लिया, जो ये एक धार्मिक जगत है। लेकिन अब मैं समझा कि ये दोनों झूठे हैं। क्या कहने जा रहा हूँ मैं, ना हमारा धार्मिक जगत हमें रास्ता बता रहा है ठीक ढंग से, ना हमारा सामाजिक धर्म जो है वो भी ठीक ढंग से है, तुम्हारे बस में कुछ भी नहीं है। मेरी उम्र के लोग जो हैं वो आज के 25, 30 साल, 40 साल के बच्चों का मुकाबला नहीं कर सकते, हमारी सोच और उनकी सोच और। वो अपने ढंग से जीना चाहते हैं, हम अपने ढंग से जो जिया हुआ है उस ढंग से उनको चलाना चाहते हैं, वो इनकार करते हैं, करते हैं कि नहीं करते। तो वो दुनिया जो ऐसी दुनिया है उससे क्या लेना, उससे क्या लेना, जहाँ तुम्हारे जैसा जीवन जीने वाला कोई और नहीं है, जहाँ तुम्हारी बात का कोई महत्व नहीं रहा, उस दुनिया से लेना है क्या। आंख बंद कर लो, क्या कहा मैंने, ये दुनिया की बात बताई। दूसरा धर्म का रहा, धर्म क्या है, इस वक्त धर्म तो मेरा, मैं सब नजर डाल के देख लिया है, मैंने गुरु पदवी को भी देखा, मैंने गुरुओं के हाल भी देखे, मैंने मंदिरों के हाल भी देखे, और वहाँ से भी उपराम हो गया कि वहाँ भी धोखा है, वहाँ भी धोखा है, वहाँ भी पैसे का मामला है। तो अब जाऊँ कहाँ, दोनों में मेरा शांति नहीं है। तो एक शांति है, वो है अध्यात्म, वो है अध्यात्म। अध्यात्म मीन तुम्हारा अपना जीवन, और तुम्हारा अपना जीवन क्या है कि तुम कौन हो वो पकड़ो। जब तुम्हें वो पता लग जाएगा, तुम्हारे सारे भ्रम दूर हो जाएंगे, तुम्हारी सब लापरवाह, तुम लापरवाह हो जाओगे, जो होता हो रहे है, हमें क्या लेना, जो होगा होने दो, तुम्हारे बस में कुछ भी नहीं है। इसलिए आज मैं आपको कबीर साहब का शब्द सुनाता हूँ। कबीर साहब कहते हैं, वो भेद कहाँ से मिलेगा, वो भेद जो मैं कह रहा हूँ, जिसको अध्यात्म कहते हैं, आत्मज्ञान कहते हैं, वो धर्मों में नहीं मिलेगा। धर्मों में कर्म कांड है, धर्मों में कोई ना कोई बंधन है, धर्म में कोई ना कोई आपके ऊपर, कोई ना कोई आपके ऊपर लगाया गया है, कोई ना कोई बंधन लगाया गया, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, उसी को करते रहो सारी जिंदगी, कुछ नहीं मिलेगा।
जो असलियत है वो कहाँ है? बिन गुरु ज्ञान न उपजे साधो, लो गुरु की शरण आए। एक बात फिर कहा, बिन सत्संग विवेक ना होए। विवेक किस बात का? विवेक तीनों चीजों का होता है, संसार में कैसे जीना, धर्म में कैसे जीना और अपने आप में कैसे जीना। इन तीनों का बैलेंस जो कर लेगा वो जिंदगी में सुखी रहेगा, दूसरा रहेगा नहीं। क्या कहा मैंने? पढ़ो कबीर साहब, चल सतगुरु की हाथ ज्ञान बुद्ध लाइए, तू गुरु की हाथ में चल। जब पहला यहाँ बैसाखी सत्संग हुआ, जहाँ मैं यहाँ हाजिर था, परमदयाल जी बाकी संतों ने बोल लिया, सबने, संत बाबा कृपाल सिंह जी भी आए हुए थे यहाँ, और यहाँ आर्य समाज वाले भी आए हुए थे, सनातन धर्म वाले के भी आए हुए थे, आनंद राव जी महाराज सिकंदराबाद से आए हुए थे, नंदू भाई जी महाराज वहाँ से आए हुए थे, दक्षिण भारत से आए हुए थे, सब ने अपने अपने बात कर ली। तो बाद में मेरे सदगुरु बाबा फकीर ने जब बोलना शुरू किया, उन्होंने सबसे पहली बात ये की कि मैंने ये नई दुकान क्यों खोली है। महाराज जी ने ये कहा, मैंने ये न्यू दुकान इसलिए खोली कि मैंने वो बात नहीं कहनी जो दुनिया कहती है। और उन्होंने वही कहा जो दुनिया आज तक भी नहीं कहती, क्योंकि उनके कहने में निस्वार्थ था, अपना अनुभव था, और दुनिया में स्वार्थ है, अनुभव कोई नहीं है। कोई किसी का रेफरेंस दे रहा है, कोई किसी का रेफरेंस दे रहा है, कोई द्वापर की बात कर रहे हैं, कोई त्रेता की बात कर रहा है, तुम्हारे कल पल्ले क्या पड़ेगा? कुछ भी नहीं पड़ेगा। हम द्वापर में नहीं जी रहे, हम कलयुग में जी रहे हैं। तो कलयुग का कानून अपना है, और वो क्या है अब कबीर साहब कहते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं मुझे नहीं पता, जो मैंने अनुभव किया मैं वो कहूंगा। कहिए कबीर साहब की शब्दावली भाग पहला, सदगुरु और शब्द महिमा। चल सत गुरु की हाथ ज्ञान बुद्धि लाइए, कीजे साहेब से भाव समझो पहले क्या है। वो कहते हैं गुरु की दुकान पर जाओ। गुरु की दुकान में क्या मतलब है? वहां सत्संग मिलेगा। सत्संग में क्या होगा? दुकान पर कुछ देना पड़ता है तभी सौदा मिलता है, तो गुरु की दुकान पर भी कुछ देना पड़ता है। गुरु की दुकान में क्या देना पड़ता है? दुनिया ने समझा नहीं, दुनिया समझते पैसे चढ़ा दो, कपड़े चढ़ा दो, हार डाल दो, ये कर दो, वो कर दो, हमारा काम हो गया, जब गुरु के दर्शन कर लिए बस पार हो गए। ऐसे पार नहीं होगे। गुरु क्या मांगता है? ए इंसान, अगर तू गुरु को मानता है तो अपने मन की चिंताएं सारी उसको दे दे, तू सुखी हो जाएगा। क्या कहा मैंने? गुरु को कुछ नहीं चाहिए, यही महापुरुषों ने कहा, और वो चिंता है कहाँ? तुम्हारे मन में है। तो फिर किसको देना है? मन को देना है। जितनी देर सत्संग में बैठो अपने मन को बात के साथ लगा दो, पूरे टेंशन हो जाओ, ना शरीर हिले ना गर्दन हिले, अपने ध्यान को गुरु की बात के ऊपर लगा दो, तुम्हें बहुत कुछ मिल जाएगा। वो कहते हैं चल सतगुरु की हाथ ज्ञान बुद्ध लाइए। बुद्धि तो आपके अंदर है, सबके अंदर सोच है, सबके अंदर दिमाग है, सबके अंदर विवेक है, लेकिन वो जागा नहीं है। वो कहाँ जागेगा? गुरु की हाथ पर जागेगा। वो क्या बताते हैं? वो पहले, सबसे पहले जीने का राज बताते हैं, हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड, पहली बात। और सबसे पहला जो शिक्षा है संतों की वो ये है कि ए इंसान, तूने जो आज तक गलती कर ली भूल जा, आगे के लिए अपने आप को ऊपर पूरा कंट्रोल कर ले, ब्रह्मचर्य का पालन कर ले, अपने आप की आंखों को बचा ले, अपने सुनने को बचा ले,
अपने देखने को बचा ले, तेरा शरीर पुष्ट हो जाएगा। जिसका शरीर ही कमजोर है, जिसके मन में चिंताएं हैं, फिक्र है, वो भजन कर ही नहीं सकता। क्या कहा मैंने, मैं गिर गया, मुझे पता नहीं मैं कैसे गिरा। मैं आपको बता, अपनी बीती बताता हूँ। मैंने कोई चिंता नहीं की, मैंने हाय नहीं कहा कि हाय मैं गिर गया, बाबा जी मैं तो तुम जानता सी, मैं तो तुमने इतना प्यार करता सी, मैं कूद गया, मैंने नहीं कहा। मेरा कोई कर्म था, बगैर किसी जगह के मैं गिर गया, सामने खड़ा खड़ा गिर गया। क्यों गिरा? कोई कारण था, बिन कारण कार्य नहीं हुए। मैंने उसी वक्त समझ लिया मेरे दाता ने मेरे लिए बहुत अच्छा किया, घर में ही गिरा दिया। कहीं बाहर गिरता, कहीं बाहर एक्सीडेंट होता, कोई नहीं पूछने वाला था, बच्चों ने एकदम संभाल लिया। क्या काम, किसने काम किया? गुरु की दुकान ने काम किया, गुरु के ख्याल ने काम किया कि जो हुआ अच्छा हुआ। रोने धोने से कुछ नहीं बनेगा, बात मेरी समझ गए? नहीं तो इस उम्र में गिरता, कोई भी आदमी गिरता तो उसकी हड्डी तो टूटनी थी, जहाँ उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जानी थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ, थोड़ी चोट लगी बस, मैं ठीक हो गया, आपके सामने आ गया। किस चीज से बचाया उन्होंने मुझे, मेरी रक्षा की, नहीं तो शायद क्या हो जाता, सोचने की बात है ना। तो क्या मिला? ज्ञान बुद्धि मिली, दूसरा ख्याल बदल गया। ऐ इंसान अपने ख्याल को बदल ले, तेरे ख्याल में ही सब कुछ है। लेकिन ख्याल कब बदलेगा, अब सवाल ये है, ख्याल को बदलना कोई आसान है? ख्याल नहीं बदल सकता, हमारे अंदर संस्कार हैं, हमारे अंदर जन्म जन्म के संस्कार हैं। वो संस्कार कैसे जाएंगे? वो हमारी रहनी से जाएंगे। जब तक हमारी रहनी ठीक नहीं होगी, हमारी करनी नहीं हो सकती, करनी नहीं ठीक होगी तो हमारा सब कुछ बिगड़ जाएगा। तो कैसे करना है फिर क्या करें? पहली बात जो मैंने समझी कि आज दुनिया में जो भी धार्मिक जगत में हो रहा है, सब में धोखा है। मैं बड़े भारी दिल से कह रहा हूं, कहीं भी सच्चाई नहीं है। जहां सच्चाई नहीं है वहां तुम्हें सच्चाई कहां से मिलेगी? सच्चाई केवल वहां से मिलेगी जो स्वयं सच्चा है। क्या कहा मैंने, जिसकी अपनी हकलाल की कमाई है। गुरु नानक साहब ने तो फैसला कर दिया, गाल खाए कुछ हथों दे, नानक नाम पछाने से। वो नाम जिसकी संतों ने गुहार लगाई है, वो किसके पल्ले पड़ सकता है? जिसकी हक हलाल की कमाई है। मेरे देश में कितने धर्म हैं, कितने डेरे हैं, कितने संत हैं, कितने महंत हैं, फिर भी मेरे देश में जितनी 400 बीसी है वो किसी देश में नहीं है। कहाँ जाएंगे हम? कौन सा हमें बेड़ा पार करने वाला है? यहाँ कौन सा वचन हमें बेड़ा पार करेगा? हम कैसे नाम जप सकते हैं जब हमारा कर्म ही ठीक नहीं है? देखो दुनिया में क्या हो रहा है। कल परसों मेरे को किसी ने वो मोबाइल क्या उसको फेसबुक पर भेजा कि पंजाब में सबसे ज़्यादा गुड़ बनता है, तो जहाँ के जो हेल्थ ऑफिसर उसने वहाँ क्या उसको छापा मारा, तो वहाँ चीनी की बोरी अंदर लगी हुई, चीनी डाल कर गुड़ बना रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या मसाले डालकर बना रहे हैं, और वो हम खाते तो हमारा हाल क्या होगा? हम कहेंगे हम गुड़ खाया, हमें अब बीपी नहीं होगा, हमें ये डायबिटीज नहीं होगा, लेकिन हम तो चीनी खा रहे हैं। क्या कहा मैंने, देसी घी का जहाँ पर एक फैक्ट्री पकड़ी गई, देसी घी बन रहा है मेरे देश में, पंजाब में बन रहा है, तो कैसे होगा? झूठ, फ्रेड, धोखा। हालांकि जाते हैं बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं, बड़े बड़े गुरुओं के पास जाते हैं, बड़ी बड़ी मैं क्या कहूँ, मेरे कहने को दिल नहीं लगता है, गुरु की बात को कौन सुनने वाला है? इसलिए बाबा फकीर ने कहा, इस निकार खाने में तूती की कौन सुनता है? कोई सुनने को तैयार नहीं। ऐ इंसान तू अपने हक हलाल की कमाई खा,
तुम्हें कोई नाम जपने की जरूरत नहीं है, अपना कर्म ठीक कर ले। यही दाता ने आखिरी पत्र में लिखा कि ऐ इंसान तू राम नाम जप चाहे ना जप, हमने तो राम नाम का डंडा पकड़ लिया हाथ में, वो क्या काम करेगा जब तुम्हारी रैनी ठीक नहीं है। अपनी रैनी को ठीक करो, घरों में शांति रखो, घरों में शांति रखो, प्रेम रखो, और जितना भी है हक हलाल का खाओ, वो तुम्हारा साथ देगा। झूठ बोलकर कहाँ तक जाओगे तुम लोग। मैं तो भाग्यशाली हूँ कि मुझे नौकरी ऐसी मालिक ने दी जिसमें कोई हेरा फेरी थी नहीं, क्या कहा मैंने। इसलिए गुरु की हाट में जाओ, ज्ञान बुद्धि लाओ, पहले जानने की बुद्धि लाओ। ऐ इंसान तेरा मन ही तेरा रक्षक है और तेरा मन ही तेरा भक्षक है। जब ये तेरा मन आंखों में बुरा ख्याल लेकर बैठेगा तो बुरा कर्म करने के लिए मजबूर हो जाएगा, और आंख में तभी ये बैठेगा गलत काम के लिए जब तुम्हारी खुराक ठीक नहीं है। खुराक कब ठीक होगी? जब हक हलाल की कमाई ठीक होगी। तो हक हलाल की कमाई करो, थोड़ा खा लो, थोड़ा पहन लो, लेकिन करो हक की कमाई, खाओ। दाता दयाल जी महाराज ने लिखा है कि कुर्सी पर बैठा हुआ जो बाबू तनख्वाह 1,00,000 रुपया लेता है, लेकिन बार बार घड़ी देखता है कि कब टाइम हो जाए तो मैं जाऊं घर, वो हक हलाल की कमाई नहीं खा रहा है। वो कैसे शांत होगा? जिस मर्जी गुरु का चेला बन जाए, क्या कहा मैंने। दूसरी तीसरी बात, अब आप नौजवान बैठे हैं, बच्चा जो भी पैदा करो पूरे ख्याल से पैदा करो कि वो बच्चा कैसा होना चाहिए। मैं अभी बता रहा था आपको, अभी बता रहा था, मैं अपनी जीवन भी जानता हूँ, मैं दूसरों का जीवन भी जानता हूँ। जो परमदयाल जी महाराज ने कहा मुझे अपना पता है, मेरा बड़ा बेटा जो है, बड़ा बेटा जब वो पैदा हुआ, उस वक्त 1965 का युद्ध चल रहा था पाकिस्तान के साथ, तो हर आदमी सहमा रहता था। आपको पता ही होगा जो उन्होंने 65 का देखा कि रात को भी डर लगना, पता नहीं कब बम गिर जाए। मेरी बात समझिए ना, खासतौर पर लेडीज, मैं पटियाला में था, रात को लाइट्स ऑफ, कोई लाइट नहीं चलती थी क्योंकि ब्लैकआउट होता था। मेरी वाइफ साथ थी, बच्चे ने पैदा होना था, तो हर वक्त वो सहमी रहती थी। मैं कहा तू कहे तो सहमी है, कहती पता नहीं कब बम गिर जाएगा। मैं कहा तेरे पर नहीं गिरता, तू ना घबरा। और वो बेटा पैदा हुआ वो हमेशा डरता रहता है, कोई भी काम करे डर जाएगा, और अंधेरे में ज़्यादा खुश रहता है, लाइट नहीं चलाता। मेरी बात समझ गए? उस पर वो समय का असर है, असर होता है औलाद के ऊपर। इसलिए ऐ इंसान पहले अपनी औलाद को ठीक पैदा कर ले, वो ही तेरे गले की हड्डी बनेगा, नहीं तो क्या कहा मैंने, वो ही तुम्हारे दुख देगा, वो ही तुम्हें तंग करेगा। इसलिए बच्चा वो होना चाहिए। और पुराने जमाने में एक बात और बड़ी अच्छी थी, जब शादी हो गई, बच्चे वो क्या कहते थे, चोली भरना की कहते थे, एक अभी भी रिवाज है, गोद भराई। हाँ गोद भराई, हाँ गोद भराई, गोद भराई अभी भी गोद भराई होती है। तो बच्चा पैदा होने से पहले लड़की को मेके भेज देते थे कि पति पत्नी इकट्ठे ही ना हो, क्या अच्छा रिवाज था। जब वो इकट्ठे नहीं होंगे तो बच्चे के संस्कार अच्छे बनेंगे, क्या कहा मैंने। आज कहाँ कंट्रोल है किसी के ऊपर, जब कंट्रोल ही नहीं है तो अनकंट्रोल्ड बच्चे आएंगे, वो तुम्हारा ही कान पकड़ेंगे। ये दूसरी बात, मैं आपको तीसरी बात कह रहा हूं, इसको कहते हैं ज्ञान बुद्धि लाइए। और तीसरी बात, अपनी इनकम से ज्यादा खर्च मत करो, बेचैन हो जाओगे। मैंने को अपने आप का पता है, दूसरों को पता नहीं। मैं जब कॉलेज में पढ़ाता था, प्राइवेट कॉलेज में, तो मैं स्कूटर पर जाता था 24 किलोमीटर। अपनी बात बतानी चाहिए ना, कैसे बेचैनी दूर हो सकती है। तो जो मालिक था, मैनेजर था, वो बड़ा पैसे वाला था, बाबा था, बाबा। तो उसने एक दिन मुझे कहा साहब आपके लिए गाड़ी चाहिए,
आप स्कूटर पर आते हैं। हालांकि उसके पास कमी नहीं थी, वो गाड़ी मुझे लेके दे सकता था, ड्राइवर भी दे देना था। मैं घर आया, मैंने सोचा बाबे ने गाड़ी तो मुझे ले देनी है और ड्राइवर भी रख देना है, और किसी ने कि बाबे ने कहा साहब आज गाड़ी हमें चाहिए तो फिर तू क्या करेगा फिर स्कूटर पर ही आना है ना। तो मैंने सोचा अपनी गाड़ी लेनी चाहिए। मैं रिटायर हो गया था, कुछ पैसा मेरा बैंक में था, तो आकर मैं बैंक में गया। मैंने कहा मैं बाबे की गाड़ी में नहीं चढ़ना, अपनी चलूँगा। तो मैं वहाँ गया तो उसने कहा, मैं कह कितने पैसे हैं, कहते इतने हैं। तो थोड़े पैसे कम थे, 50,000 रुपया कम था। मैं कहा आप मुझे लोन दे दोगे, ले सारे पमल 1,00,000 ले लो, मेरी बात समझ गए। मैंने कहा नहीं, 1,00,000 नहीं चाहिए, 50,000 का लोन बना के मेरा ड्राफ्ट बना दो। तो उस वक्त गाड़ी मिलती थी लुधियाना से, मेरा दोस्त एक था, मैंने कहा गाड़ी लानी है, मैं गाड़ी खरीदना है, मारुति 800 उस वक्त थी, अब तो बहुत गाड़ियाँ आ गई, ये 1997 की बात है, 97 की बात है। तो मैं गाड़ी ले आया, उनको ले लिए, क्या नाम है, एक बैंक का थोड़ा कर्जा ले लिया, गाड़ी ले ली 2,15,000 की। महीने के बाद बैंक का 1,800 रुपये से रख लिया, क्या नाम, ड्राइवर, फिर 1,800 का ड्राइवर हो गया, 4,500 पेंशन, तो 5,700 का तेल भी पड़ना, 2,000 से ऊपर हो गया। तो बाकी क्या बचा मेरे पास, 2,000-2,500 बचा। उधर से आगे बैंक का इनविटेशन आप अपनी किस्त दो जी, इतनी किस्त है आपकी 2,000 की, ले किस्त आ गई, रात को नींद नहीं आई। उधार लो ना, कर्ज था, रात को नींद नहीं आई, 2 बज गए, उम्मीद के खसम खाए खड़ी होकर गड्डी, खसम खाए प्लॉट था मेरा एक, जो आज 35,00,000 का बिक रहा है, एक कनाल का प्लॉट था, कोई मेरा दोस्त था, मैंने कहा यार मैंने प्लॉट बेचना है, 62,000 का लिया था, तो कहते कितने पैसे, मैं कहा दे दो जितने देने, कोई मूल नहीं किया कोई मूल नहीं किया उसके साथ, कि मैं 2,00,000 लेना चाहे 2,50,000 लेना चाहती, जब मैं जितना मांग लेता मैं ले सकता था। मैंने कहा आप 1,50,000 दे दो, तेरे ज्वाई ने लेनी ले लो, 1,50,000 लिया, बैंक का पैसा उतारा, रात को नींद आई बड़े मजे से, खरट्टे मार के सोया। क्या कहा मैंने, कर्जा बनाना बाप का, बेटी बलीना एक, ये कहा है पुरुषों ने, कर्जा बटाना बाप का, बेटी बलीना एक, कर्जा नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है, रोटी नमक के साथ खा लेनी है लेकिन कर्ज नहीं लेना, ये मैं आपको कह रहा हूँ, ये जीने का राज बता रहा हूँ। तो क्या ज्ञान पाया बाबा फकीर से, ये ज्ञान पाया, ऐ इंसान तू किसी पर अपना बोझ मत बन, जहां तक हो सके तू किसी पर बोझ मत बन। मैं क्या कह रहा हूं, मैं इस लड़के का बड़ा आभारी हूं, ये मेरे 1 महीना मेरे पास रहा, इसने मालिश करने मेरी खूब डट डट के खूब मालिश करता था, इसने मुझे खड़ा कर दिया, मैं इसका बड़ा धन्यवादी हूँ। आप मेरी बात समझ गए, बाकी बच्चों के पास कहाँ टाइम, यही होता था मेरे पास, दोपहर का खाना भी खिलाता था, बात समझ, मैं इसका आभारी हूँ, इसका ऋणी हूँ, समझ गया मेरी बात को। इसलिए क्या ज्ञान लेना है, ऐ इंसान अगर तू अपने मन को कंट्रोल कर लेगा, भगवान तेरे घर में बैठा है, ये कह रहा, कहीं नहीं है वो कहीं नहीं है, वो तेरे घर में है। मैं साबित कर देता हूं, मैंने साबित कर दिया है कि इस ब्रह्मांड को चलाने वाली कोई हस्ती है, दुनिया ने उसको नाम रख रख के हमें बांट दिया, किसी ने उसको अल्लाह कह दिया बिना देखे, किसी ने उसको खुदा कह दिया बिना देखे, किसी ने उसको वाहेगुरु कह दिया, किसी ने उसको परमेश्वर कह दिया, किसी ने उसको ईश्वर कह दिया, ईश्वर भी है इंसान तेरे अंदर, भगवान भी तेरे अंदर, वो अल्लाह भी तेरे अंदर, वो खुदा भी तेरे अंदर। जब तू खुदी को खत्म कर देगा, खुदा तेरे अंदर है,
मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ये है उसको पाने का रास्ता, ये है उसको पाने का रास्ता। तुझे कहाँ मिलेगा? सत्संग में मिलेगा। तालियां बजाने से नहीं मिलेगा, नाचने से भी नहीं मिलेगा, गाने गाकर भी नहीं मिलेगा, वो साइलेंस में मिलेगा। साइलेंस, शांति, तन की शांति, मन की शांति, आत्मा की शांति। तन थिर मन थिर, सुरत नित थिर होए, कहे कबीर ता पलक को कल्प न पावे कोई। ये तीनों को थिर करना पड़ेगा, और तीनों थिर तभी होंगे जब तुम्हारा हाजमा ठीक है, जब तुम्हारी सेहत ठीक है। मैं ठीक नहीं था, मैं जोर ला लिया सिमरन करने का, मेरा सिमरन नहीं बनता था। मैं आपको सच बता रहा हूँ, शरीर में तकलीफ हो, शरीर में भूख हो, शरीर में चिंता हो, फिक्र हो, तुम नाम नहीं जप सकते। इसलिए स्वामी जी महाराज ने लिखा राय बहादुर शालिग्राम साहब जी महाराज को, तेरी चिंता में मन धारी, तुम अचिंत रहकर धरो प्यारी। ये कहा उन्होंने, तेरी चिंता में मन धारी। गुरु के पास जाते हो तो भी चिंता किस बात की? मैं नहीं करता चिंता, खसम नुखाई दुनिया, जो होना होना, काहे के लिए चिंता करूं? क्यों मैं रात को नींद खराब करूं? 10 बजे सोना, 5 बजे उठना, कल खत्म। क्या कह रहा हूं मैं आपको, ये इसको कहता हूं मैं जीने का राज। जीने का राज हमारे पास है, किताबों में नहीं है। जितना मर्जी पढ़ लो, जितना मर्जी पढ़ लो, जितना मर्जी लिख लो, कुछ नहीं बनेगा जब तक तुम अपने खट में नहीं उतरोगे। तो क्या मिलेगा? और फिर यही लाइन, चल साते गुरु की हाट, ज्ञान बुद्धि लाई। ज्ञान होना चाहिए बुद्ध में, ज्ञान किस चीज का? दुनिया का। दीन क्या, दुनिया क्या, और मैं कौन हूं? दीन और दुनिया दोनों से अलग है वो चीज ना, वो दीन में है, दीन में भी बिखेरा, दीन में धर्म। और जो कुछ है ए इंसान तेरे अपने अंदर है, तू 5 तत्व का पुतला है, और इस 5 तत्व के ब्रह्म मंड में ऐसे रह रहा है जैसे मछली का जल में मछली रहती है। जल में मछली अपने आप को पानी पीने के लिए उल्टी होती है, तब प्यास बुझती है। ए इंसान तेरी प्यास, आध्यात्मिक प्यास, अपने आप को पाने की प्यास भी तब बुझेगी जब तू भी अपने अंदर उल्टा चलेगा। उल्टा नाम जपत जग जानी, वाल्मीक भय ब्रह्म ज्ञानी। लोगों ने कहा वो मरा मरा जपता था, राम राम को मरा मरा कह दिया। ये अज्ञानी दुनिया की बात है। वो राम उसकी नहीं मानते थे जो जिसको दुनिया मानती है आज। वाल्मीकि रामायण को पढ़कर देखो, मैंने कुछ बातें सुनी है किसी बड़े विद्वान से, वो उस राम को नहीं मानते थे जिसको दुनिया आज मानती है। वो राम कहीं और है, और कोई और है जिसके बारे में कबीर ने लिखा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम इन सबसे न्यारा। ये कहा गया है, लेकिन हम तो कह देते हैं साधो रचना राम बनाई। अरे कहाँ इस पंजाब में जहाँ मेरे सतगुरु महापुरुष पैदा हुए, महान महान गुरु पैदा हुए, जिन्होंने कह दिया, बड़े ऐलानिया कह दिया, सो क्यों सिमरे नानका जो जम्मे ते मर जाए, सोई सिमरो नानका जो जल थल रहा समाए। कितनी बड़ी बात है बाबा की। इसलिए कहा करते थे ओ मैं भी मर जाना, मैनू याद करोगे, मेरा सिमरन करोगे, तुहाडे पल्ले कुछ नहीं पैना। दाता दयाल भी मर गए, स्वामी जी महाराज भी मर गए,
उनकी पूजा करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। वचन को पकड़ो, मेरा अंग मेरी वाणी है, जो मैं कहता हूँ उस पर चलो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, ये बाबा फकीर का कहना है। अगर मेरी मूर्ति के आगे फूल चढ़ाते रहे और मेरे गुण गाते रहे, तुम न दीन के रहोगे न दुनिया के रहोगे। क्या कहा मैंने? ये है सत्संग, ये है असलियत। ऐ इंसान, तू भटक गया, तू अपने आप को भूल गया, तू अपने उस इंसान के रूप को, महत्व को भूल गया और मिट्टी की मूर्ति के पीछे भागड़ रहा है, जिसको तुमने खुद बनाया है, जिसको तुमने खुद बनाया है उसके पीछे तू लड़ रहा है, जिसको भगवान ने बनाया है उसके लिए तू दुश्मन बना हुआ है। तुम कहाँ का भक्त हो, तुम कहाँ के पुजारी हो, तुम कहाँ के बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो, तुम तो भटक गए हो। भटको, खाओ खास लूप, जिसको खाना खाओ, क्या करना, हमने तो होका देना है, हमने गुरु की आवाज़ को उठाना है, कोई माने ना माने क्या मिलेगा फिर? आगे पढ़ो। सतगुरु सब कुछ दीना देते कछु न रहो। अब सुनो मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनना। कबीर सब कहते सतगुरु ने सब कुछ दिया, कोई कमी नहीं छोड़े। बहुत ऊंची बात करने लगा हूं मैं अशोक। कुम्हार बर्तन बनाता है और बर्तन बनाने से पहले सोचता है इसमें क्या डालना है, सोचता है ना, घड़ा बनाना है, अब तो खत्म हो गया, अब तो सील आ गया, पीतल भी खत्म हो गया। स्टील बनाने वाली फैक्ट्री अभी पहले अपना डिजाइन बनाती है, फिर सच्चा बनाती है, फिर उसके स्टील के ग्लास बनाती है, थाल बनाती है, कुकर बनाती है, यही बनाती है ना। बगैर सोचे समझे तो कोई चीज नहीं बनती, वो कोई चीज ऐसी नहीं बनाते जिसको दुनिया ना खरीदे, ठीक है। ऐसे ही उस मालिक ने जो हमारा शरीर बनाया, ये सोच समझ कर बनाया कि इसमें मैंने कौन सी मेरी अंश को डालना है। बहुत मैं ऊंची बात कर रहा हूं। तो सबके शरीर को उस मालिक ने वो चीज डालने के लिए बनाया जो वो इसमें बिठाना चाहता था, या जो उस शरीर से उसने काम लेना है। मेरे शरीर से क्या काम लेना, वो चीज इसमें डाल दी गई, वो सुरत रूप डाली गई। जिसने हेरा फेरी करनी है उसको हेरा फेरी वाला बना दिया उसकी शक्ल ही ऐसी बना दी। जिसने डकैत करनी है उसने वो कर दिया। इसीलिए गुरु नानक साहब ने, जब जी साहब ने लिख दिया ना, असंख पापी पाप कर जा, असंख गर्भ ढज्जा कमा, असंख हराम खोर, क्या कहते हैं, ऐसा लिखा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, हम सबको तो खास तौर पे बनाया सतगुरु, क्योंकि उसमें किसको बिठाना था, प्रकाश और शब्द को उसमें बिठाना था। अशोक बात को पकड़ो, तुम्हारे सबके अंदर दो चीजें हैं, प्रकाश और शब्द, और उनको सुनने वाली और देखने वाली जो चीज है वो माल के कुल की अंश है, उसको कहते हैं सुरत। हमें अभ्यास दिया जाता है, कौन सा अभ्यास दिया जाता है, कि नाम सिमरन करते 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 शरीर को भूल जाओ, मन को भूल जाओ, आत्मा से भी आगे निकल जाओ, तुम्हारा अपना रूप वहां खड़ा है। क्या कहा मैंने? तो सतगुरु ने पहला क्या दिया, तुम्हें अच्छी काया दी, तुम्हें अच्छा शरीर दिया, तुम्हें पांच कर्म इंद्रियां ठीक दी, तुम्हें पांच ज्ञान इंद्रियां ठीक दी, तुम्हें मन दिया, बुद्ध दिया, चित्त दिया, अहंकार दिया, तुम्हें 14 कला संपूर्ण करके भेजा यहां दुनिया में। सतगुरु क्या दिया, पढ़ो। सतगुरु सब कुछ दीना है, दिया उसने, तुम्हें 14 कला संपूर्ण बना के जहां भेजा है। दो चीजें रह गई, वो है प्रकाश और शब्द, वो तुमने पैदा करना है
वो तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम इस शरीर, ये जो पांच नाम दिए जाते हैं, पांच नाम का मतलब क्या है? पांच नाम का सिमरन करते हुए मन को कंट्रोल करो, पांच नाम में सिमरन का ध्यान करते गुरु का रूप धारण दर्शन करो, पांच नाम का सिमरन करते हुए शरीर को शून्य कर दो, पांच नाम का सिमरन करते हुए मन को भी शांत कर दो, और फिर तुम आगे चल गए दसवें द्वार में, आगे तुम्हारे प्रकाश है और आगे शब्द है। लेकिन कौन करता है पांच नाम का सिमरन? बहुत करते हैं मुझे टेलीफोन, बात समझ गए मेरी? अब वो एक इंटरव्यू मेरी आई प्रेस, उसमें 5 लाख लोगों ने देखी, ना जाने कितने लोगों के टेलीफोन आ रहे हैं, हम आपको मिलना चाहते हैं, बात मेरी समझ गए? क्योंकि दुनिया है, दुनिया में ऐसे लोग जो भूखे हैं, जिनमें तड़प है, जो पिछड़े हुए हैं, जो महसूस करते हैं कि हम पिछड़े हुए हैं। जैसे कबीर ने कहा, बिछड़े हैं जो प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हमन को इंतजार ही क्या। जब तुम्हें पता लग गया तुम्हारे अंदर है, तुम कहाँ जाओगे? तुम्हें तो नींद अपने अपने आएगी, उठ बच्चा मैं आ गया, कर ले मुझे याद, कर ले सिमरन, कर ले ध्यान, चल वहाँ उस जगह पर पहुँच जा जहाँ मैं बैठा हूँ। क्या कहा? आगे कबीर साहब बताते हैं वो रास्ता कैसा है, पढ़ो। सतगुरु साहब कुछ दीन है, देते कछु न रहो, हम ही अभागिनी नारी, सुख तजे दुख लयो। हम ही है कि सब कुछ दिया है उसने, हमने नहीं परवाह की उसके दिए हुए की, हमने अपने आप को भूल गए, हम कौन है? हम शरीर को अपना समझ कर बैठ गए कि ये मेरा है, और इसी के सजावट में लगे रहे हमें इसी के ओ कबीर साहब का एक शब्द है, दर्पण क्या, मुखड़ा क्या देखे दर्पण, हाँ तू क्या देखे दर्पण में, तेरे दया रही रमनी मन में। कबीर कहते तू दर्पण देख रहे, शीशा देख रहे, बड़ा बन बन के देख रहे, तेरे अंदर तक कुछ भी नहीं, ना दया ना कुछ भी नहीं है। क्या बात कही कबीर साहब ने, तेरा शरीर ही तेरा नहीं है, तेरा मन भी तेरा नहीं है। मन तो बनता है, घड़ी घड़ी में बनता है और घड़ी घड़ी में बिगड़ता है। देख लो, जो कल था, जो बचपन में था वो मानव है, जो जवानी में था वो मानव है, जब तुम पति के रूप में हो तो तुम्हारा मन और है, जब तुम पति के रूप में नहीं हो तुम्हारा मन और है। मन क्या है? मन तो तुम्हारे कब्जे में है, मगर अफसोस यह है कि हम मन के होकर रह गए। जो मन कहता है वो करते हैं, जो बुद्धि कहती वो नहीं करते। बुद्धि को मन के कंट्रोल में किया हुआ है हमने, इसलिए हम दुखी हैं। हमारा चिंतन बिगड़ा हुआ है, हमारा चिंतन बिगड़ा हुआ है और चिंता के अधीन हो गया है। चिंतन कैसे होगा जब चिंता है वहां? मैंने आपको बता दिया, मैंने चिंता खत्म कर दी, पैसे दिए ओ खसम खाए, प्लॉट मैंने क्या करना, बच्चे खरीदे ना खरीदे मैंने क्या करना, मैं ठेका लिया कि जमीन लेके उन्होंने दिया क्या कहा मैंने, मेरी ड्यूटी पढ़ाना लिखाना शादी करनी छुट्टी पाई, क्या कहा मैंने, पढ़ो आगे। गई पिया के महल, पिया संग न रची, हृदय कपट रहो छाए, मान लज्जा भरी। वो कहते पिया तो तुम्हारे पास था, तुम्हारे से अलग ही नहीं था, लेकिन तुम पिया ने परवाह ही नहीं की कहा कभी पिया कौन हुआ? आहा, खोज री पिया को निज घट में, स्वामी जी कहते हैं, खोज री पिया को निज घट में, अपने अंदर देखो उसको। दाता दया लिखते हैं, घट में दर्शन पाओगे, संदेह इसमें कुछ नहीं, मैं तो हूँ घट में तुम्हारे, ढूंढ लो मुझको नहीं। अब इससे परे संत और क्या कहें, फिर भी कहाँ भागते फिरते हैं हम क्यों लड़ाइयाँ लड़ते हैं, हम किस लिए लड़ते हैं? 4 दिन की जिंदगी है, इसका फायदा उठा लो।
दाता कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, पिया तुम्हारे संग है और तुम किस लज्जा में रहते हो, किस लज्जा में कि मैं अगर मंदिर ना गया लोगों ने कहना इधर कुछ और ही हो गया, क्या कहा मैंने, लोग कहते हैं ना, लोग कहते हैं। मैं एक महाराज जी के बड़े प्रेमी सज्जन थे, उन्होंने ट्रक लिया, ट्रक, और उस पर लिख दिया मनुष्य बनो, मनुष्य बनो। और उसके दोस्तों मित्र ने कहा ए तू ए मनुष्य बनो तो असि क्या मनुष्य नहीं है, हम कौन है, हम मनुष्य नहीं है। उसने आके महाराज जी को बताया, महाराज पिताजी ऐसे हुआ मैंने मनुष्य बनो लिख दिया तो लोग मुझे घेरते हैं, कहते ये क्या लिख दिया भाई तुमने, हम क्या इंसान नहीं है। पिताजी कहते बात तो तेरी ठीक है भाई, दुनिया को यही नहीं पता कि मनुष्य होता कौन है, गुरु पशु, क्रिया पशु, नर पशु, वेद पशु, संसार, मानुषता है जानिए जा में विवेक विचार। जिसमें विवेक ही नहीं है, या किसी गुरु की टांग पकड़ी हुई है, या किसी देवी देवता को पकड़ा हुआ है, या वेदों और शास्त्रों का बता रहे हैं वहां ये लिखा है, वैसे ये हो गया, वहां ये हो गया, कथाएं सुना रहे हैं जिनका उनको अपने आप को पता नहीं है, वो कैसे इंसान बन सकते हैं, वो इंसान नहीं है, वो ठेकेदार है, वो दुकानदार है, वो इंसान नहीं है। जिनके रोटी का साधन केवल वो ही है कि लोगों को बेवकूफ बनाओ, अपना बंदा भरो, बस यही है और कुछ भी नहीं है। क्या कहा मैंने, किस बात की लज्जा, अंदर बैठने की लज्जा, आंख बंद करने की लज्जा, मन को नंत्यात करने की लज्जा, ये कोई लज्जा के काम नहीं है। ये तुम्हारी कमाई है, ये तुम्हारी अपनी मेहनत है, काल खाए। वो एक बात और कही है गुरु नानक साहब जी महाराज ने, चंगियाइयां बुरियाइयां बाचे धर्म हदूर, करने आपो अपने किया नेड़े का दूर, जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत काल। मशक्कत कहते मेहनत, जो मेहनत करेगा किसकी, अपने लिए, दुनिया के लिए जो मर्जी करो लेकिन अपने लिए भी कमाई कर लो कुछ। वो कमाई क्या है, गुरु का जो आदेश है उसकी पालना करो, उस पर चलो, तुम्हारी कुछ दुनिया की कमी नहीं रहेगी। गुरु की आज्ञा का पालन करना है बस, और कुछ नहीं करना। आगे पढ़ो। चढ़ो गिरी गिरी पड़ो, उठो सवारी सवारी, चले आगे धरो। अब उन्होंने अंदर की बात कही है, वो कहते वो रास्ता जो है अंदर का वो बड़ा फिसलता है, फिसलता है। जो नाम जपते उनको पता होगा, मन गिराता है, फिर गिरते हो, फिर उठते हो, फिर गिरते हो। वो कहते हैं अंदर का रास्ता बड़ा फिसलता है, सहज से चलो, गिरोगे फिर संभलो, पढ़ो वही लाइने द्वारा। वो अंदर है तुम्हारे, अब कबीर रास्ता बता रहा है कि वहां आप बैठो और अंदर में चढ़ाई करो, वहां बड़ी फिसलन है, फिसलन तिलकन, तिलकन है, गिरता है, वो कैसे है पढ़ो। जा गए लसिलहली, चढ़ो गिर गिर पड़ो, गिर गिर पड़ो, हाँ, उठो सवारी सवारी, चरण आगे धरो, आगे चलो, आगे चलो, ऊपर को चलो, आगे चलो, फिर संभालो अपने आप को। ख्याल आते हैं उनको छोड़ते जाओ, ख्याल का आना और उनको त्याग करना, फिर नाम को पकड़ना, ये कहते संभाल संभाल कर चलना। अगर तुम नाम जपने बैठ गए हो लेकिन नाम कहीं और रह गया, तुम दुनिया में चले गए, लड़की की शादी में चले गए, लड़के की नौकरी में चले गए, अपने को घर की चिंता लेकर बैठ गए, तो फिर तुम गिर गए, फिर तुम बाहर नहीं जा सकते। इसलिए सबसे पहले गुरु को क्या सौंप करो। आप लोगों ने राजा जनक की कहानी सुनी है,
नहीं सुनी, मैं दोबारा सुना देता हूँ। राजा जनक सो रहे थे, राजा था वो, किंग था, बड़ा भारी किंग था, महान था। उसको एक दिन सपना क्या आया, सपने में क्या देखता है कि भिखारी, उसको भूख लगी हुई और वो भिखारी है, कपड़े फटे हुए हैं, और वो घर घर पैसे रोटी मांगता फिरता है, रोटी मुझे भूख लगी माता रोटी, तो कहेंगे चल कक्का के चल, हल्ले मेरे को लहनी में बनाई नहीं, कभी कहीं जाता है, कभी कहीं जाता है, कहीं कहीं जाता है। तो एक माता ने उसको कहा बेटा रुक, मैं तुम्हें रोटी देती, उसने उसको रोटी भी दे दी, ऊपर सब्जी भी डाल दी, ले बेटा खा ले। ये सच्ची कहानी सुना रहा हूँ, ये शास्त्रों की कहानी है, मनगढ़ंत नहीं है। तो जब वो रोटी खाने लगा, ऐसे चलते चलते ऊपर से गिद्ध आई, गिद्ध जानते कौआ, उसने झप मारी, रोटी ले गया और जनक की आँख खुल गई। राजा जनक की आँख खुल गई, को देखता क्या है कि मैं तो राजा हूँ, पंखा कर रहे हैं, इतने सेवक हैं मेरे। तो वो पूछता हुए ये सच के वो सच, अपने वजीरों को पूछता है जो वहाँ पे उनकी सेवा में खड़े थे कि ये सच के वो सच। वो कहते महाराज जी क्या, कि मैं तो अभी भिखारी था, मैं भूखा था, मैं तो रोटी मांगता फिरता था, क्या वो सच है कि ये सच है? आप जानते हैं राजा के तो सभी चापलूस होते हैं, मंत्री को भी चापलूस होते हैं सभी के चापलूस हैं दुनिया में आजकल। वो कहते नहीं महाराज, आप तो सिंहासन पर हैं, इतने तुम्हारे लाव लश्कर हैं, इतने तुम्हारी सेवा क्या, इतना तुम्हारा दान है, ये है वो है। लेकिन उसको तसल्ली नहीं हुई, उसने वजीरों को बुलाया, वजीरों ने भी यही कहा कि नहीं महाराज ऐसा नहीं, वो सपना था। कहते नहीं सपना नहीं था, वो सपना नहीं था, मेरे साथ बीती है। तो शास्त्र बुलाओ, संतों को महर्षियों को बुलाओ, उनसे पूछूंगा। उस वक्त के सभी जितने संत थे, महापुरुष बने हुए थे, उन सबको बुलाया, एक एक को पूछा कि मुझे ये सपना है बताओ वो सच था कि नहीं। महाराज उनसे जिन्होंने कभी ज्ञान सोचा ही नहीं, कोई बात ही नहीं कही, कबीर साहब के साथ भी ऐसा ही हुआ, उनके ऊपर लोगों ने बड़ा उनको ये तो जादूगर है, ये है वो है, शास्त्रार्थ रख दिया। सिकंदर लोधी का राजा था, तो पढ़े लिखे विद्वान बड़े बड़े पंडित तिलकाधारी आ गए, कबीर साहब सिंपल आदमी सिर पर टोपी आ गए। हाँ जी बताओ कबीर तुम क्या कहना चाहते हो? कहते महाराज मैं क्या कहूँ, ये कहेंगे पुस्तक लिखी, मैं कहूंगा आखन देखी। मैं कहता हूं जागत रहिए, ये कहते हैं सोए सोए रहिए, ऐसा एक शब्द है बहुत प्यारा। तो कबीर की विजय हुई जब उन्होंने अपना अनुभव कहा, बताओ शास्त्र में क्या लिखा है। वो तो पढ़ते हैं ना, अनुभव थोड़ी करते हैं, पैसे चढ़ाओ चलते बनो पैसे चढ़ाओ चलते बनो, क्या कहा मैंने। ऐसे ही सबने राजा जनक को ही कहा कि तुम तो राजा हो। वहां पहुंचे अश्वक्कर साहब, आठ बल पड़े हुए उनको, आकर और गर्ज उठे राजन ये तेरे क्या सवाल का जवाब देंगे, मैं आपको सवाल का जवाब दूंगा। ये सच्ची कहानी है। आगे आ गए राजा जनक ने हाथ जोड़ दिया, महाराज कृपा करो। फिर सवाल हुए वो बताने जा रहा हूँ। अष्टावक्र ने सबसे पहले कहा कि सवाल करने वाला बड़ा होता है कि जवाब देने वाला बड़ा होता है। जनक कहता महाराज सवाल करने वाला छोटा होता है, जवाब देने वाला बड़ा होता है। कहते तुम तो सिंहासन पर बैठे हो, मैं जमीन पर हूँ। उसने एकदम अपनी गद्दी छोड़ी और नीचे आ गया, उनको बिठा दिया ऊपर। कहते महाराज आप विराजमान हुए, बैठ गए। अब कहते सवाल बताओ क्या है तुम्हारा, सवाल बता दिया। कहते राजन इसका जवाब मैं आपको तब दूंगा, पहले आप धन तन मन मुझे समर्पित करो। अपना विचार जितना भी धन के साथ लगा हुआ है, राजपाट से लगा हुआ है, वो संकल्प करो कि मेरा नहीं, वो महाराज सब कुछ आपका।
राजा जनक ने कहा ये राजपाट सब आपका महाराज जी, मेरा कुछ नहीं है। एक बात होगी। दूसरी बात, अब अपना शरीर मुझे अर्पण कर दो। शरीर अर्पण कर दिया तो क्या राजा हिल सकता था? मेरा शरीर है ही नहीं, शरीर तो गुरु को दे दिया, बैठ गया। फिर कहा तीसरी बात, राजन अब अपना मन भी मुझे दे दो। राजन ने सिर झुका दिया, अब देखो तुम क्या हो। ना दुनिया से मतलब रहा राजन का, ना राजपाट याद रहा, ना अपना शरीर याद रहा, ना अपना मन याद रहा। तो फिर क्या हुआ? अंदर प्रकाश हो गया, अंदर प्रकाश हो गया, आत्म ज्ञान हो गया, आत्म बोध हो गया। और राजन खुश हो गया, कहता राजन आपके सवाल का जवाब हुआ। जी महाराज, ना ये दुनिया सच है, ना वो दुनिया सच थी, जो अब देखा वो दुनिया सच है। मेरी बात को पकड़ा? तुम मन से परे रहने वाले हो, तुम शरीर के एहसासों से भी परे रहने वाले हो, तो फिर तुम कैसे ठेका लेते हो शरीर का, मन का और दुनिया का? इसलिए वहां चलना है जहां तुम रहते हो। तुम यहां रहने वाले हो, तुम यहां से पहले यहां आए, फिर सारे शरीर में बैठे हुए हो। इस शरीर में से निकलना, ऊपर को चलना, भूल जाना इसको। फिर मन में आओगे, फिर मन के सारे ख्यालों को भूल जाओगे, फिर आगे चलोगे। बड़े दृश्य आते हैं आपको बुलाने के लिए अंदर, तरह तरह के दृश्य आएंगे, बहुत सुंदर सुंदर दृश्य आएंगे। उनके साथ प्यार नहीं करना है, तुमने अपने आप से प्यार करना है। जब तुम यहाँ पहुँचोगे, तुम अपना आत्मबोध हो जाएगा, तुम अपने सदगुरु से मिल जाओगे। क्या कहा मैंने? बड़े आसान तरीके से मैंने आपके झोली में ये सत्य ज्ञान देने का प्रयास किया है। हो सकता है मैं गलत हूं, मैं दावा नहीं करता, लेकिन मेरा अपना अनुभव है, मेरे गुरु का बताया हुआ ये रास्ता है, और उसी रास्ते को मैं सत्य मानता हूं। मैं दुनिया की किसी बात को सत्य मानने के लिए तैयार नहीं हूं। क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो। जो पिया मिलने की चाह, कौन तेरो लाज है। जिसको पिया मिलन का है। राजा अकबर की फौज जीत कर आ गई, फतेह कर ली, और उस राजे की फौज में एक नौजवान लड़का भी था जिसकी नई शादी हुई हुई थी। उसकी पत्नी को पता चला कि राजन आ गए हैं और फौजों का बहां डेरा है, तो मैं मिलके आती हूँ अपने पति को। सच्ची कथा, मैं अपने पति को मिलके आती हूँ, क्योंकि अभी तो डेरा नजदीकी है। वो घर से चल पड़ी, सुबह निकली, जब जा रही जल्दी जल्दी जा रही, तो उस रास्ते में वो राजन का कैंप था, राजे का कैंप था अकबर का, और वो वहाँ नमाज पढ़ रहा है। नमाज में आपको बता, वो कभी ऐसे होते हैं झुकते हैं, कभी खड़े होते हैं, कभी घुटने के पास होते हैं, तो घुटने के बल ऐसे हुआ हुआ था। तो लड़की को तो सिर्फ अपने पिया को मिलने का था, उस बहू को तो अपने पिया को मिलना था कि वो उस टेंट में रहता है। वो राजा के ऊपर से जंप मार के निकल गई, उसने ख्याल ही नहीं किया कि ये कौन है। सिपाहियों ने देख लिया कि ये लड़की औरत इतनी बेहया, इतनी बेअकल, इसको समझ नहीं। राजा साहब नमाज पढ़ रहे थे, अल्लाह के दरबार में थे, ये उसके ऊपर से जंप ले, पकड़ो इसको। उसको ले आए पकड़ कर। तुमने ये क्या किया? राजा साहब तो अल्लाह से प्रार्थना कर रहे थे, कहते तुम झूठ बोलते हो। राजा अल्लाह के साथ कहाँ था? मैं अपने पति को मिलने के लिए दौड़ी हुई थी, इनको कैसे पता लग गया कि मेरे ऊपर से कोई निकल गया? अरे सुनो क्या कह रहा हूं मैं, इसको कैसे पता चल गया जब ये अल्लाह के साथ मिला हुआ था कि मैं इसके ऊपर से निकल गई?
इसको तो पता ही होना चाहिए था कि मेरे ऊपर से कौन गुजर गया। ये शिकायत करते हैं कि मेरे ऊपर से कोई औरतन धारकन पकड़ो कौन है ले आए। राजा को मानना पड़ा, पिता पति को मिलना था उसने। तो कबीर कहते हैं तुमने अपने पिया को मिलना है, तीर्थ यात्रा से मिलेगा वो, कर्म कांड करने से मिलेगा, चढ़ावा करने से मिलेगा, या को मन्नत मानने से मिलेगा? नहीं मिलेगा, तुम्हारे अंदर मिलेगा। और वो जो पिया है वो माल के कुल की अंश है, वो माल के कुल की अंश है। इसलिए कह दिया गुरु गुरु साहबान ने, एक पिता एक इसके हम बालक, एक के हम सब बालक हैं। ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है, हम सब मानव हैं। इस मानवता के राज को लाने के लिए मेरे दाता ने यहाँ मानवता का झंडा लहराया है। और एक दिन आएगा, एक दिन आएगा हम हो ना हो इसके अधीन सारी दुनिया आएगी, सब धर्म मिट जाएंगे, सब धर्म मिट जाएंगे। ये राज आएगा, आज मैं घोषित करता हूं ये राज आएगा। इंसानियत ही है दुनिया में, असल इंसानियत है तो रूहानियत है, इंसानियत नहीं तो रूहानियत कहाँ है? कहाँ देखो कहाँ रूहानियत मेरे इंडिया में, कहीं भी नहीं है। हम सब मन के मारे हुए हैं, हम सब मन के अधीन हैं, हमें मन ने लूटा हुआ है, हमें मन ने बांटा हुआ है, हमें मन ने लड़ाया हुआ है एक दूसरे के साथ। वरना हम सब एक हैं, एक पिता एक किसके हम बालक हैं। मैं तो इसकी मिसाल भी दे देता हूँ आपको, अगर आप समझ लें तो। मैं कहता हूँ चार बता दो, हिंदू बिठा दो, मुसलमान बिठा दो, सिख बिठा दो, ईसाई बिठा दो, या यहूदी, चार पांच आदमी बिठा दो मेरे सामने यहाँ, उनको मैं नमक खिलाऊंगा। बताओ जी नमक आपको कैसा लगा? तुम्हें सब नमक है जी, सारे नमक ही कहेंगे ना। फिर सबको मिर्च खिलाने को दे दूंगा, सभी खाएंगे कि मिर्च है, किसी को अलग अलग तो नहीं लगेगा। और चारों को कहूँगा मुझे देखो मैं कैसा लगता हूँ, कहेगी ऐसे हो आप, वो भी कहेगा कोई फर्क नहीं, वो भी कह, सब में देखने वाला एक ही बैठा है, सब में सुनने वाला भी एक बैठा है, सब में खाने वाला भी एक बैठा है, तो फर्क कहाँ है? हमारी सोच में फर्क है, हमारे विचार में फर्क है। हमें गाइड करने वाला कोई नहीं, हमें सब बांटने वाले हैं, तो हम कहाँ बेड़ा पार होगा? हम अपना अपना ध्यान करो, नो दाई सेल्फ टू नो गॉड, उसको जानना है तो अपने आप में उतरने की कोशिश करो, देखो तुम्हें क्या नजारा मिलता है, आगे चलो। जो पिया मिलाने की चाह कौन तेरो लाज है, अधर मिलो किन जाए भला दिन आज है। अधर मीन अंदर, अंदर जाके मिल लो, तुम्हें किस बात की डर है? कोई देखता है कि क्या कर रहे हो? कोई सुनता है कि क्या कर रहे हो? क्या कहा मैंने? कोई आरती करने की जरूरत नहीं है, कोई तूप करने की जरूरत नहीं है, ऐसे 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 कुमारे की ना ना, वहाँ तो खुद सब कुछ हो रहा है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज में आरती है ना, आरती आरती में क्या कहा गया है कि सारा ब्रह्मांड जितना है वो आरती कर रहा है, सब वही आरती में लगे हुए हैं, सब कर रहे हैं आरती, उसी की आरती कर रहे हैं। तो सभी आरती नहीं की करना उत्थे नहीं कुछ भी करें, कहते भला दिन अभी है, इसी वक्त है, सोच लो क्या करना है, आगे चलो। भला बना संजोग प्रेम का चोलना, ये संजोग है कि हमें शरीर बहुत सुंदर मिला, भला बना संजोग प्रेम का चोलना, ये प्रेम का चोलना है, इस चोलने की कदर करो। क्या कहा मैंने, आगे।
भला बना संजोग प्रेम का चोलना, तन मन अर्पोसी से साहेब हसे बोलना। क्या अर्पण करना? तन मन शीश अर्पण कर दो, अहम को मिटा दो तो तुम्हें पिया मिल जाएगा। अहम मन है और कुछ भी नहीं है। क्या कहा मैंने? कबीर साहब ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। कहाँ है कबीर पंथी बैठे हुए हैं? कोई सार शब्द की बात कर रहा है, इनको पता नहीं सार शब्द है क्या? क्या मुझे किसी ने चिट्ठी लिखी बड़ी लंबी चौड़ी, लेकिन एड्रेस नहीं लिखा। मैंने कहा भाई तेरे को मैं क्या लिखूं? कह रही कबीर पंथी सार शब्द की बात कर रहे हैं, लेकिन जो कहते हैं उनको खुद को पता नहीं सार शब्द क्या है। क्या कहा मैंने? वो कैसे बताएंगे सार शब्द क्या है? आगे पढ़ो। तन मन अर्प जो गुरु रूठे होए तो तुरत मनाइए। यहाँ कबीर साहब एक बात कहते हैं, पता नहीं क्यों कही उन्होंने, कहते जो गुरु रूठ जाए तो उनको तुरंत मना लो। मुझे कुछ इस पर लाइन पर ख्याल आया कि गुरु तो कभी रूठता ही नहीं है। पता नहीं रामानंद जी शायद रूठ गए हों उनके साथ, हो सकता है। मेरा अनुभव ये कहता है कि गुरु तो रूठता ही नहीं है, वो तो दयाल की मूर्ति है, और मैं तो कहूँगा वो तो परम दयाल की मूर्ति है। उनके रूठने के तो मतलब ही नहीं है। तुम जाओ उनके चरणों में बैठ जाओ, तुम्हें जो ही भर देते थे। क्या कहा मैंने? अब कबीर साहब ने क्यों कहा ये मैं नहीं समझता भाई, इस पर मैं बोलता भी नहीं हूँ। पढ़ो के फिर जो गुरु रूठे होए तो तुरत मनाइए, होई है दीन अधीन चूक बकसाइए। दीन बनो, अधीन बनो, आप समझ गए। दीन दीन का मतलब ये नहीं है कि गरीब बन जाओ। दीन का मतलब है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ भी अपना नहीं समझना, वो दीन है। सब कुछ है, गाड़ियां हैं, बच्चे हैं, धन है, दौलत है, फिर भी वो सब बैठता है मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। तुम्हारे सो के एक बात मैं आपको बताऊं, बच्चे बैठे थे एक दिन, मैं यही हमारी कथा चल रही थी घर में, मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। तुम बच्चों, मेरी बहू छोटी वो रसोई में काम कर रही थी, कहने डैडी नहीं इतना नहीं, आजकल नहीं है रहा, आजकल बदल गया है। और उन्हें समझो उत्थे गुरु कहना तेरा तुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो मेरा, मेरा मुझको सौंपते त्या क्या लागे तेरा। गुरु ये कहते सब कुछ मेरा ही है बस। आजकल की कथा ये है और ये सत्य भी है, इसमें कोई शक की बात नहीं। आगे चलो। जो गुरु होए दयाल दया दिल है ही, कोटि करम कट जाए पलक फिर फेरी है। गुरु बहुत दयालु होते हैं, वो रास्ता बताते हैं कि तुम्हारे कर्म कैसे कटेंगे। दुनिया कहती है ना नाम ले लो काम कर्म कट जाएंगे, वो झूठ बोलते हैं। नाम लेने से कर्म नहीं कटेंगे, गुरु धारण करने से कर्म नहीं कटेंगे। कोई गुरु किसी के कर्म नहीं ले सकता, कोई संत किसी के कर्म नहीं ले सकता, कोई परम संत भी किसी के कर्म नहीं ले सकता। तुम्हें अपने कर्म खुद भोगने हैं, एक बात। दूसरी बात, कर्म कब बचोगे कर्मों से? जब गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए मन की दुनिया से तुम निकल जाओगे तो तुम्हारे कर्म भी खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जो कर्म हमने किए वो मन के लेवल पर किए हैं, तो मन के लेवल में हम रहे नहीं। हमने भारत में कोई बड़ा गलत काम कर दिया, हम पहुंच गए दूसरे देश में, भारत का देश का कानून उस पर लागू नहीं होगा। क्या कहा मैंने? मन के देश का कानून मन में लागू होगा, वो आत्मा में लागू नहीं होगा, वो सुरत में भी लागू नहीं होगा। तो हमने मन की दुनिया से निकलना है। जब हम मन की दुनिया से निकल गए, प्रकाश में चले गए, शब्द में चले गए,
जल गए सारे के सारे कर्म। क्या कहा मैंने, बात को समझो तुम, हमें मन की दुनिया से निकलना है। वो तभी निकलेंगे गुरु की आज्ञा का पालन करने के निकलेंगे, अदरवाइज नहीं निकलेंगे। अगर ये करके बैठ गए कि नाम मिल गया अब मरते समय गुरु ले जाएंगे, झूठ है, कोई गुरु नहीं लेने आएगा। कोई शिव की पूजा करता है तो उनको शिव जी महाराज ले जाएंगे, कोई देवी की पूजा करता है उसको देवी ले जाएगी। क्या कहा मैंने, उनको जन्म लेना पड़ेगा, दोबारा आना पड़ेगा दुनिया में, तब तक जब तक कोई संत सतगुरु नहीं मिल जाता। आगे बढ़ो। कहे कबीर समुझाए समुझे हृदय धरो। कहते हैं कबीर कहता है मैं कहता हूँ समझा रहा हूँ कि समझ को ले लो। कबीर कहते हैं, कबीर ने कहा है ये बात। हाँ। कहे कबीर समुझाए समुझे हृदय धरो, जुगन जुगन करो राज अस दुर्मति परिहरो। कहते हैं मैंने जो कहा इसको पकड़ो और जुग जुग राज करो। क्या मतलब, दोबारा जन्म नहीं होगा तभी आप जुग जुग राज करोगे, वरना कभी कोई लेनी पड़ेगी, कभी कोई लेना पड़ेगा जन्म, कोई कोई लेना पड़ेगा, क्या फायदा होगा उसका। तो मैंने तो बहुत कुछ कह दिया आज आप लोगों को, मैंने कोई कमी। हाँ एक बात मैं याद दिला दूं, कल मैं जा रहा हूँ आंध्र प्रदेश, वहाँ बसंत का सत्संग है 14 तारीख को, 14-15 में आंध्र वहाँ रहूँगा, तेलंगाना में हनुमकुंडा में, और 17 और 18 को हैदराबाद में सत्संग है। वो भी लोग कुछ जाग गए हैं, उनको भी बाबा की याद आ गया, अब भूल गए थे वो, और मैं 19 को वापस आऊँगा। इसका मतलब 18 तारीख को सत्संग नहीं होगा, 18 को मैं यहाँ नहीं होगा। मैं पंडित शर्मा जी से बेनती करूँगा कि वो 18 तारीख का सत्संग कर लें। आगे आ गया 25 का सत्संग, 18-7-25। 24 और 25 को मेरी अपनी भतीजी की शादी है, यही हुशियारपुर में है। 24 को घर में प्रोग्राम है और 25 की शादी है, तो 24 को मैं सत्संग कर सकता हूँ शनिवार के दिन। मैं यही रात को रुकना है, 24-23 को रात को मैं यही रुकना है, 24 को मैं यही रुकूँगा, और 25 को सुबह मुझे जाना पड़ेगा बारात जब आ जाएगी। तो अगर आप आना चाहें शनिवार को आ सकते हो, मैं आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है अभय कुमार जी, तो फिर अगला सत्संग जब होगा वो कब है मेरे को डेट का नहीं पता, शादियों का बड़ा जोर है, और मेरे पायलट साहब का उनके लड़के की भी शादी है, 3 तारीख की उनका सत्संग रखा अपने घर में ऊना में, तो 3 तारीख को मुझे फिर वहीं रुकना पड़ेगा, क्योंकि आज्ञा का पालन तो करना ही है, गुरु का हुक्म है, यहाँ जाना है वहाँ जाना है। ठीक है, तो मैं आपकी सेवा में हूँगा 24 तारीख को, अगर आ सको तो मेरा सौभाग्य होगा, आपके दर्शन होंगे। आप सबको मेरा बहुत बहुत प्यार, धीरे चलो धैर्य धरो, करो विश्वासा सतगुरु करेंगे पूर्ण आशा। धीरे धीरे चलो, चलना शुरू करो अंदर बाहर नहीं, चलते चलो चलते चलो, हर रोज एक कदम बढ़ते जाओगे। जब गुरु साथ है फिर निर्भय होकर चलो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, आप जन्म मरण के चूठे से छूट जाओगे। मुझे तो दाता ने बहुत कुछ दिया है, मैं तो परम दयाल जी महाराज का एहसान मानता हूँ कि मेरा जन्म सुधार दिया उन्होंने, मुझे मार्ग दे दिया और मुझे ये सेवा दे गए आपकी। मैं सच्चे दिल से सेवा करता हूँ आप लोगों की, मेरा कोई अपना व्यक्तिगत कोई भी मैं क्या कहूँ लालच नहीं है। तुम सुखी मैं भी सुखी, तुम खुश मैं भी खुश, तुम्हारे घर में सुख शांति तो मेरे घर में सुख शांति। आप सब सुखी रहो, सबको प्यार भरा। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।